नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने 22 जुलाई को श्रीनगर में प्लाज्मा स्क्रीनिंग कैंप का उद्घाटन किया। ये शिविर जम्मू कश्मीर पुलिस और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा श्रीनगर के कश्मीर नर्सिंग होम में आयोजित किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि हमारे 300 से ज्यादा जवान कोविड-19 से उभर चुके हैं और उनमें 26 लोग आज अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस के लोग अपने काम करते करते काफ़ी लोग पॉजिटिव टेस्ट किए थे और अब ये रिकवर कर चुके हैं। इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने वॉलंटियर किया। 300 से ज़्यादा लोग हमारे हैं जो रिकवर कर चुके हैं। आज 26 के करीब हमारे लोग हैं जो वॉलंटियर करके आए हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, जो एक पहल है, मुझे लगता है कश्मीर में पहली बार हो रहा है। और हम चाहते हैं कि बाकी लोग जो सिविल साइड पे भी रिकवर कर चुके हैं वो इन्हीं नौजवान बच्चों की तरह वो भी वॉलंटियर करें और सामने आए ताकि हम अपने लोगों की मदद कर सकें। अभी 7,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आज डोनेट करने के लिए सक्षम हैं, कॉम्पिटेंट हैं, क्वालिफाइड हैं। और वो लोग अगर सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि किसी ज़रूरतमंद मरीज के हम काम आ सकते हैं। हम लोग पुलिस की तरफ से जरूर फैसिलिटेट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बाहर के जिले से जहां आकर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक आकर के डोनेट करने के लिए आना चाहता है तो हम अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट देने का हो, बाकी चीज़ों की ज़रूरत हो, हम उनको लाएंगे, जहां पर उनकी मदद भी करेंगे, उनको वापस भी ड्रॉप करेंगे, हम जरूर फैसिलिटेट करना चाहेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब तक 15,258 तक पहुँच गई। इस केंद्र शासित प्रदेश में इस वक्त 6,540 एक्टिव केसेस, 8,455 लोग इस वायरस से रिकवर हो चुके हैं, जबकि 263 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।